हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मैं कर रही हूँ मेरा स्किन केयर आज। चलो मुझे फ्रेम अच्छी मिल गई है क्योंकि मेरा कैमरामैन मेरा कैमरा उठा रहा है इसलिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ मेरा मिशेल का टोनर जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जो कि आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे जिसमें मैं मेरा स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। तो ये सिर्फ थोड़े अमाउंट में मैं लेती हूँ फिर, और इंस्टेंटली इससे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा पम्प हो जाती है ना, यानी एकदम स्किन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, हाइड्रेट दिखने लग जाती है। एंड इसके बाद मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसकी अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ था, उससे थोड़े एक्ने आ गए थे, तो उस एक्ने का मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन रह गया था जो कि अभी एकदम लाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा कवर भी नहीं हो पाता है कैमरे में क्योंकि पहले ज़्यादा था, अभी मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ डार्क स्पॉट रिमूवर इसलिए कम हो गया। ये पैकेजिंग दूसरी है, आपके लिए पैकेजिंग दूसरी आएगी, तो मैं अभी लगा रही हूँ डार्क स्पॉट रिमूवर और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। जितने भी जनों ने डार्क स्पॉट रिमूवर मुझसे परचेज़ करा है मेरी शॉप से या फिर कहीं से भी करा है, तो डार्क स्पॉट रिमूवर है ना एकदम से फ़र्क नहीं करेगा, आपको दोनों टाइम लगाना है और रात को तो नाइट क्रीम के साथ ही लगाना है। तो जब भी आप लगा रहे हो यानी लगभग 15 दिन तो आपको कंटिन्यूसली लगाना है बिगर स्किप किए, तो वो फिर आपको एकदम से आपके स्किन में, अगर आप रोज़ नोटिस कर रहे हो आपकी स्किन को, तो आपको धीरे 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 फर्स्ट दिन आप फ़ोटो खींच लीजिए और 15वें दिन आप फ़ोटो खींचिए, आपको रियली इफ़ेक्ट लगेगा। वो अपन को रोज़ देखते इसलिए दिखता नहीं है कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। 15वें दिन फ़ोटो खींच के देखो, वास्तव में कम हो जाएगा। नॉर्मली पूरे फेस पर ही अप्लाई करती हूँ, जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ पर ये वर्क करता है। और अब सबसे मेन और मेरा फेवरेट ये है पेटिडेंट हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि मेरा फेस है ड्राई, था पहले अभी नहीं है, पर मुझे हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा लगता है फेस पर और मेरा फेस थोड़ा ग्लो दिखे और ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे सच बताऊँ ना, मेकअप से भी ज़्यादा स्किन केयर करना अच्छा लगता है, तो इसको मैं बिल्कुल कम अमाउंट में लेती हूँ, सिर्फ इतना काफ़ी है। सबसे अच्छी चीज़ ही ये है कि इसके अंदर हमको बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है, पूरे फेस पर मसाज कर लूँगी अच्छे से टाइटली जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है। और लास्ट एंड फाइनल जो कि हमारी स्किन का गार्ड है सनस्क्रीन, क्योंकि आजकल भले ही ठंड आने वाली है पर धूप बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, धूप तो बहुत तीखी है और ये हमारे फेस को उसी तीखेपन से ख़राब भी करती है, तो हमको सनस्क्रीन मेन यूज़ करना है और इसका सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी आप मेरा फेस देख लो एक बार और सनस्क्रीन लगाने के बाद देख लो, इतनी सी सनस्क्रीन लेनी है। हो गया ना मेरा फेस अब बहुत ही अच्छा, ग्लोई ग्लोई, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, नॉन स्टिकी है एकदम। और थोड़ा सा आपको 5 मिनट के बाद ये इतना अच्छे सेट हो जाएगा ना स्किन के अंदर, बहुत ही अच्छा स्किन ग्लो करेगी। अभी फ़िलहाल कर भी रही है पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ग्लो करेगी, और हर 6 घंटे में हमको सनस्क्रीन है वो तो वापस लगाना है क्योंकि सनस्क्रीन का ड्यूरेशन सिर्फ 6 आवर्स का ही रहता है, और हमको अगर आउटडोर्स काम ज़्यादा है तो 6 घंटे में हमको रिटर्न लगाना है कोई भी हो। और अभी जो सनस्क्रीन की बॉटल्स आई है वो सारी पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम में मिशेल उसकी पैकेजिंग चेंज करता रहता है, इसलिए कभी कभी कस्टमर बोलता है आप वीडियो में कुछ और बता रहे हो और हमारे पास कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं है, पैकेजिंग चेंज होती रहती है इसलिए आपके पास अलग पैकेजिंग आती है। तो बस आज हुआ हमारा चेहरे का ज्ञान पूरा, और मैं कुछ और भी बोल रही थी यार। हाँ, अगर आपको लग रहा होगा इतनी सारी क्रीमें लगानी है कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ 1 मिनट में कर लेती हूँ, मुझे तो आपको दिखाना है इसलिए मैं एक एक चीज़ को टाइम दे के आपको दिखाते हुए लगा रही हूँ, बाकी करने में कोई टाइम नहीं लगता है। क्योंकि कितने जनों का इशू ये भी रहता है हमारे पास कहाँ इतना टाइम है हम इतनी क्रीमें लगाएंगे, वो नहीं है, 2 मिनट का प्रोसेस है, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट का प्रोसेस है, खुद के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकते हो क्या? स्किन केयर मस्ट है, मस्ट। आज मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं है ना आज कर रही हूँ नेटफ्लिक्स एंड चिल, पर नेटफ्लिक्स के साथ मेरे पास पॉपकॉर्न नहीं है तो मैं एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट बहुत खाली हो गई है। और आज मैंने जनक के साथ मंगवाया है डोमिनोज, क्योंकि मुझे आज डोमिनोज खाना है, इसलिए डोमिनोज नहीं खाना, डोमिनोज के पिज़्ज़ा बर्गर भी नहीं पाता है मेरे को, पास्ता, ये चीज़ें मुझे खानी है इसलिए। तो और देख रही हूँ मैं साथ में प्राजक्ता की वेब सीरीज,
इसका क्या नाम है यार, हाँ मिसमैचर, वो देख रही हूँ। तो मैं करती हूँ इंजॉय, आज पूरा दिन यही होने वाला है। अभी खाना वगैरह सब मैंने खा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ सैलून पे। और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने दवाई लेके तो थोड़ी तबीयत अभी ठीक कर ली है। और अभी शॉपर भी जाना ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर है, ब्राइडल्स की डेट्स चालू हो गई इसलिए। और अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो चली जाती हूँ। शॉप पर आई हूँ और पीछे भी काम था आज, सारी ब्राइडल्स की सर्विसेज, जैसे मैंने बोला आपको कि ब्राइडल की सर्विसेज हो गई है चालू, तो एक एक ब्राइडल्स आ ही रही हैं, तो इसलिए तबीयत सही नहीं होने की वजह से भी आना पड़ा। पर थोड़ी ज्योति थी इसलिए आज हेल्प मिल गई और अभी मैं आगे बैठी हूँ। हैप्पी भी किसी कारणवश आज जल्दी चले गए घर पे, जो कि आपको पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में क्यों गए हैं। शायद मैं रिवील नहीं करूँ कुछ, वो ही करे तो अच्छा है। तो अभी मैं आगे बैठी हूँ, आगे का भी कुछ काम था वो किया। और अभी और आज आने वाला है डोमिनोज, जो कि जनक के साथ मंगवाया है मैंने। अभी हमने धूप लगाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और वो चिको, ये दुकान मेरी है और आके यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में जितनी भी बार आते हैं उतनी बार आके यहाँ से एक एक परफ्यूम स्प्रे कर करके जाते हैं। पैसे लगेंगे तुमसे, एक साथ पैसे लेंगे हम। यहाँ पर एक भी अगर टेस्टर ख़त्म हुआ उस पूरे परफ्यूम के पैसे चिकू से लेने, क्योंकि वही लगाते ज़्यादातर आके। इसीलिए अभी जा रहे हैं हम घर पे, दुकान हो रही है मंगल, आज जल्दी ही मंगल कर दिए क्योंकि मुझे ही बैठना था शॉप पर, ज़्यादा देर में बैठ नहीं सकती थी। बता दो कल क्या है। कितने लाया वो कैरी बैग? दिया ही नहीं। अच्छा कैरी बैग नहीं दिया। जनक बोले आप क्यों नहीं आए, आप आते मेरा व्लॉग बन जाता है। चलो लो। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। एक दिन शिवान दीदी आई थी मेरे मेहंदी लगाने, आज शिवान दीदी के मैं लगा रही हूँ। और जो सिचुएशन शिवान दीदी की थी वो ही मेरी है। शिवानी ने लगी मेहंदी, ये शिवानी मेहंदी लगा रही है हमारे भतरीजा का है। तुम काल मार भतरीजा ने मुंह है हगाई और काल भतरीजा ने लाड़ी नी कपड़े पहरावे। हां हगाई हगाई कर जब तक लोग देखेंगे तब तक सगाई हो चुकी होगी। नहीं नहीं हुई होगी, कल देखेंगे ना। अंगूठी पैराबर ने भी प्रोग्राम रखे हमारे पक्का बन जाए। इतना हुआ है हो जाएगा। ये वाला टेंट बिछाने का भी बारिश आ रहा था। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट बाय बाय। हम गए थे हैप्पी बिया के घर पे क्योंकि वहाँ पर कल है हैप्पी बिया की एंगेजमेंट, तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही मेहंदी वगैरह लगाएंगे, इकट्ठे होंगे यूँ करके गए थे। और डोमिनोज हमने खा लिया है, जनक लेके आया था, थैंक्स टू जनक। बहुत ही अच्छा, यानी जो मुझे पसंद है वो सारा चिकू ने ऑर्डर किया था और वो जनक लेके आया था, थैंक्स टू जनक मैं फिर से बोलती हूँ। और मैं लेने नहीं जा पाई थी, चिकू ही लेने गए थे, वो लेके आया था। तो अभी कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।